अब देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजू टेल द ट्रूथ, राजू टेल द ट्रूथ। अभी देखो यहां पे ट्रूथ ऑन एवरी मंडे थर्सडे एंड सैटरडे, इन 3 दिन वो क्या करेगा, सच बोलेगा। अब बाकी दिन क्या करेगा, झूठ बोलेगा। बट ऑन द ऑल द अदर डे ही लाइज, वन डे ही सेज। किसी एक दिन उसने क्या कहा, आई विल टेल यू द ट्रूथ टुमारो, मैं कल आपको सच बोलूंगा। ओके कल आपको सच बताऊंगा। Which day did he say this? Okay? वो किस दिन ये इसने बोला होगा? अगेन आपको क्या करना है, मंडे ट्यूजडे वेंसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे एंड संडे। ओके अब आप सोचिए, मंडे के दिन उसका डे क्या है, सच बोलने का है, सच बोलेगा। ओके ट्यूजडे के दिन वो क्या करता है, वो आपसे देखिए ना, जो जो डेटा गिवन है लिख लीजिए, मंडे थर्सडे के दिन सच एंड देन सैटरडे के दिन सच। तो बचे दिन क्या बोलेगा, झूठ बोलता है वो आपसे, झूठ बोलता है। अब आप सोचिए, इसके पहले अगर मंडे के दिन पहले कौन सा दिन आता है, तो उस दिन वो झूठ बोलता है फ्राइडे, क्योंकि संडे के दिन वो फॉल्स स्टेटमेंट देगा आपको। अब देखो, आई विल टेल यू द ट्रूथ टुमारो, अगर आपको लिखना है यहां पे संडे लिखना है, फिर से इसके पहले वाला एंड जहां पे वीक का होता है तो वो फॉल्स आएगा, संडे हर संडे वो झूठ बोलता है। अब आप सोचिए, अगर आज मंडे हुआ तो क्या ये चीज बोल पाएगा, सोचे ना। अगर यहां पे तो वैसे भी जरूरत नहीं लिखने की, मैं वैसे भी मंडे को पहला दिन मानता हूं वीक का और संडे को लास्ट लिख लेता हूं। अगर आपको संडे शुरू करना है, यू कैन स्टार्ट ऑफ विद संडे टू। मंडे के दिन वो सच बोलता है, ओके तो वो आप उसने आपको क्या, देखो सच बोलता है तो उसने उसने आपको क्या बताना चाहिए था, कि कल मैं झूठ बोलूंगा आप लोगों से, क्योंकि कल मेरा झूठ बोलने का दिन है। तो वो आपको सच सच बता देगा, क्योंकि मंडे के दिन उसका सच बोलने का दिन है। पर उसने क्या कहा, आई विल टेल यू द ट्रूथ टुमारो, कल मैं आप लोगों को सच बताऊंगा। आज अगर मेरा सच बोलने का दिन है, तो मैं आपको ईमानदारी से बता दूंगा कि कल मैं झूठ बोलने वाला हूं करके, क्योंकि आज तो सच बोलना है मुझे, तो मैं ईमानदारी से बता दूंगा कल झूठ बोलना है, कल झूठ बोलूंगा। और उसने क्या कहा, कि मैं कल सच बोलूंगा। तो ये इस दिन तो नहीं बोलेगा, जहां पे सच बोलना है तो अगले दिन वो झूठ बोलने वाला है। तो ये क्या रहेगा, ये दिन तो नहीं रहेगा। क्या मंगलवार को ये बोलेगा, देखो मंगलवार उसका झूठ बोलने का दिन है, बराबर है। अब वो ये कभी नहीं बताएगा कि मैं कल झूठ बोलूंगा, वो क्या बोलेगा, इस दिन कल मैं आप सबको सच बोलूंगा, क्योंकि देखो आज भी झूठ बोलने का दिन है, कल भी झूठ बोलने वाला हूं मैं, तो मैं आपको क्या बोलूंगा बताएं, कल अगर मैं झूठ बोलने वाला तो उसका उल्टा बताऊंगा, कल मैं आप लोगों को सच बताऊंगा करके। सो वो क्या रहेगा, डे आज का मंगलवार रहेगा, ट्यूजडे। ओके क्योंकि अगले दिन देखो झूठ बोलने वाला है, आज भी झूठ बोलना है, आज झूठ बोलना है, तो वो आपको सच सच थोड़ा बताएगा कि कल मेरा झूठ बोलने का दिन है, बोलेगा कल मेरा सच बोलने का दिन है, क्योंकि आज उसको झूठ बोलना है जो भी वो बोलेगा। सो ये दिन होगा। अब क्या बाकी दिन नहीं आएगा, आप चेक कीजिए, वेंसडे के दिन वो क्यों, वेंसडे के दिन उसका झूठ बोलने का दिन है, तो वो कभी आपको ये अग्री नहीं, सच नहीं बोल देगा मुझसे कि कल मैं सच बोलूंगा, आई विल टेल यू द ट्रूथ टुमारो। अगर ये वेंसडे के दिन बोलता है तो ये बात क्या हो जाएगी पता है, ये बात उसने सच बोल दी, कल उसका सच बोलने का दिन है और उसने मान लिया, तो वो झूठ कैसे हुआ, वो तो झूठ बोलना है उसको, तो ये कभी नहीं बोल पाएगा। यहां पे सोचिए, जिस दिन उसका सच बोलने का दिन है तो वो आपको ईमानदारी से बता देगा कल मैं झूठ बोलने वाला हूं करके। सो आई विल टेल यू द ट्रूथ टुमारो, ऐसा क्यों बोलेगा, नहीं बोलेगा। ओके अब यहां पे देखो, अगेन यहां पे देखो क्या होगा, फ्राइडे। सो फ्राइडे के दिन देखो फॉल्स है, झूठ बोलने का दिन है, पर वो क्या बोल रहा है, तो वो आपको क्यों मान ले, क्यों अग्री करेगा। अगेन ये सिचुएशन जैसा ही है, फॉल्स के बाद ट्रू, फॉल्स के बाद ट्रू, तो ये भी नहीं आएगा। यहां पे सोचिए, यहां पे सच बोलने का दिन है सैटरडे के दिन, तो वो क्या बोलेगा, सैटरडे के दिन वो बोलेगा, ओ सो सैटरडे के दिन वो ये बोलेगा कि कल मेरा क्या है, कल मेरा, सैटरडे दिन सच बोलना है उसको, तो वो क्या बता देगा सीधा सीधा कि कल मैं आप लोगों से झूठ बोलने वाला, पर उसने क्या कहा है, आई विल टेल यू द ट्रूथ टुमारो, तो ये इस दिन तो नहीं बोलेगा, इस दिन भी नहीं बोलेगा। अब क्या इस दिन बोल सकता है, वो भी देख लीजिए, अगले दिन देखो संडे के बाद फिर से मंडे आएगा, संडे के दिन चेक कीजिए, फॉल्स है, मंडे के दिन वो सच बोलता है। अब सोचिए, क्या संडे को उसका झूठ बोलने का दिन है, बराबर है, तो संडे के दिन वो क्या बोलेगा, देखो संडे को बाकी सब दिनों पे झूठ बोलता है, संडे में झूठ, मंडे में सच है। अगर जिस दिन उसका झूठ बोलने का दिन है, तो वो आपको क्यों सच सच बता देगा कि कल मैं सच बोलने वाला हूं, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स के बाद अगेन ट्रू है, तो ये तो सच बोले जैसा हो जाएगा, तो इस दिन में वो नहीं बोल पाएगा। सो एक ही दिन है, दैट इज मंगलवार, ट्यूजडे, बस सवाल ही उस तरीके से फ्रेम किया जाता है।
ये मैंने ब्रेनली करके वेबसाइट है वहां पे देखा था, वहां पे उन्होंने कुछ अलग लॉजिक भी से बोला था कि जैसे संडे के दिन अगले दिन मंडे आ सकता है और कभी कभार लोग उसे करते हैं, पर दैट लॉजिक से मैं कोई वो लॉजिक से अग्री नहीं हुआ। आई डोंट नो क्या लॉजिक से उन्होंने वेरीफाइड करके आंसर वेरिफिकेशन में उन्होंने बोला था, तो मैं नहीं अग्री करता हूं। मैं नॉर्मली इस तरीके से अग्री करता हूं ये सवाल के हिसाब से। सो अगर आपको लगता है कि वो तरीके से कि नहीं लॉजिकली ऐसा मंडे के फर्स्ट डे ऑफ द वीक मंडे आता है या उसके बाद में आता है, तो इसलिए वो इस तरीके से हो सकता है करके, तो वो लॉजिक ही मुझे नहीं पता, तो मैं वो बता भी नहीं रहा हूं। ये तरीके से मैं आइडिया बराबर क्लियर कर दिया। ओके, नाउ और एक सवाल देख लीजिए इस पे। अब देखिए अगला क्वेश्चन सिमिलर टाइप में है, अगर आपको लगता है आप वीडियो पॉज कीजिए, इसे ट्राई कर सकते हो, कोशिश कीजिए बनाने की, नहीं बना तो आप सॉल्यूशन देख सकते हो, मैं बताने जा रहा हूं। राजू टेल लाइज ऑन एवरी मंडे थर्सडे एंड सैटरडे, वो किस दिन झूठ बोलता है, मंडे थर्सडे एंड सैटरडे, बट टेल द ट्रूथ ऑन अदर्स डे, बाकी दिनों में वो क्या करता है, सच बोलता है, बाकी दिनों में वो सच बोलता है। यू हैव द फॉलोइंग कन्वर्सेशन विद राजू, राजू के साथ आपके नीचे वाली वार्तालाप हुई है, तो अब देखो यू, आपने क्या पूछा उसको, व्हाट डे ऑफ द वीक इज टुडे, आज कौन सा दिन है, तो उसने आपको क्या बोला, थर्सडे। ऐसे रीड मत कीजिए, सोचिए, ये झूठ बोल सकता है सच बोल सकता है, उसका दिन क्या होगा आज ऐसा, और पूछा आपने व्हाट डे ऑफ द वीक विल इट बी टुमारो, कल कौन सा दिन होगा, तो उसने आपको बोला ट्यूजडे। तो ये तो ये इससे समझ में आ रहा है कि वो दिन जो है वो झूठ बोलने का है। अगर थर्सडे बोला तो एटलीस्ट, अगर फ्राइडे बोला होता तो एटलीस्ट एक समय के लिए आप उसको मानते थे, ठीक है। व्हाट डे ऑफ द वीक इज इट टुडे, देखो एक लॉजिक ऐसा है, दोनों आंसर एक कंसिस्टेंसी भी है क्या आंसर में, थर्सडे कल फ्राइडे वो तो भी बोल रहा है का वो, आज देखो आज कौन सा दिन है, थर्सडे, कल कौन सा दिन है, मंगलवार, ओके ट्यूजडे बोल रहा है, इधर ही समझ में आ रहा है कि वो झूठ बोल रहा है आपसे, आज उसका झूठ बोलने का दिन है। अगर आप सोचिए सच बोलने का दिन होता था, तो अगर आज थर्सडे बोल दिया तो एटलीस्ट कल फ्राइडे बोल देता था, भले कुछ भी हो, वो पहला लॉजिक है कि आंसर भी कंसिस्टेंट नहीं है, तो सीधी बात है आज उसका दिन झूठ बोलने का है, बराबर है। और सिंपली अदर लॉजिक, दूसरा लॉजिक क्या है, सोचिए राजू को आपने पूछा आज कौन सा दिन है, आज उसने बोला कि थर्सडे है, थर्सडे मतलब आई थिंक गुरुवार, ओके गुरुवार है आज, आज थर्सडे है, ओके। अब आप सोचिए वो झूठ बोलता है मंडे के दिन, थर्सडे के दिन, सैटरडे के दिन, अब आप खुद सोचिए अगर आज थर्सडे होता था, आप सोचिए अगर आज थर्सडे होता था तो क्या वो बता देता था ईमानदारी से, क्योंकि उस दिन वो झूठ बोलता है तो वो आपको कभी नहीं बोलेगा थर्सडे है करके। सो मैं एक बात बता रहा हूं, वो झूठ बोल रहा है आपसे, ये बात पता चल गया, तो आज उसका झूठ बोलने का दिन है, पर वो थर्सडे नहीं, थर्सडे नहीं है, क्यों, क्योंकि अगर थर्सडे के दिन आपको बता दे कि आज थर्सडे है तो वो तो सच हो जाएगा, तो जो चीज है उसका कुछ तो भी, वो चीज कभी नहीं मानेगा वो, तो थर्सडे अगर आपको बता रहा है तो एक तो आपसे वो झूठ बोल रहा है, देखो थर्सडे के दिन वो कभी थर्सडे मानेगा नहीं, क्योंकि वो दिन तो झूठ बोलने का है, तो मतलब ये तो अग्री करते हो कि आप वो झूठ बोल रहा है, वैसे भी इन कंसिस्टेंट नहीं तो उसका झूठ बोलने का दिन है, सो जो झूठ बोलने का दिन है तो वो थर्सडे नहीं हो सकता, क्योंकि अगर वो झूठ बोल रहा है तो वो थर्सडे के दिन अगर थर्सडे बता देगा तो वो सच हो जाएगा, थर्सडे के दिन वो कभी नहीं बोलेगा। देखो अगर आज आपका थर्सडे, थर्सडे में दिन आपका झूठ बोलने का दिन है, तो आप क्या मानोगे आज थर्सडे, मानोगे नहीं, आप बोलोगे और कुछ दिन है करके, और कुछ भी बताओगे, थर्सडे नहीं बताओगे। सो पक्का ये है कि वो झूठ बोल रहा है, तो झूठ बोलने के कौन से दिन है बचे हुए, ये दो दिन है, तो अब आपको पता है कि मंडे और सैटरडे में से कोई तो भी डे है। अब आप सोचो उसने क्या बोला आपको, आपने उसको पूछा कल कौन सा दिन है, तो उसने बोला मंगलवार। अब देखो झूठ बोलने का दिन है, आपको पता है अभी ये झूठ बोल रहा है, तो इन दोनों में से दिन है। अब आप सोचिए अगर मंडे हुआ, अगर वो दिन मंडे, इन दोनों में से कोई तो भी आंसर है, अगर वो मंडे होता था, मंडे सोचिए वो मंडे के दिन क्यों आपको बताएगा कि कल मंगलवार है, कल ट्यूजडे है, तो ये मंडे भी नहीं होगा, वो सैटरडे है, क्योंकि कल एक्चुअली संडे है पर आपको क्या बता रहा है वो मंगलवार, और आज कौन सा दिन है, तो उसने सैटरडे पर आपको थर्सडे बता रहा है, देखो दोनों झूठ हो रहे हैं। देखो अगर थर्सडे तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि थर्सडे के दिन उसका, और बाकी दिन क्यों नहीं होगा, सच बोलने के दिन वो वही, देखो अगर संडे है, संडे के दिन तो उसका सच बोलने का टाइम है, ही टेल्स द ट्रूथ ऑन द अदर डे, तो संडे के दिन वो जो दिन है वही दिन बताता था, बराबर है, तो
थर्सडे बताने का रीजन क्या हो सकता है? या तो थर्सडे के दिन थर्सडे बताएगा, या तो आपसे वो झूठ बोल रहा है, तो झूठ बोलने वाले बचे दो दिन कौन से हैं? ये वाले, इनमें से कोई तो भी दिन होगा। थर्सडे के दिन झूठ बोलने का दिन है तो वो थर्सडे क्यों मानेगा? तो इसलिए थर्सडे नहीं आज, तो इन दोनों में से कोई तो भी दिन है। फिर दूसरा सवाल जो है वो है मंगलवार। उसने जवाब दिया कि कल कौन सा दिन है, तो मंगलवार। तो मंडे के दिन, अगर मंडे रहा वो, तो मंडे के दिन वो क्यों बताएगा कि अगर मंडे रहा, अगर वो मंडे डे होता था तो वो आंसर तो सच बोल देगा, क्योंकि मंडे तो झूठ बोलने का दिन है। तो अगर मंडे आंसर होता था तो अगले दिन वो आपको क्या बता रहा है, मंगलवार है करके, ट्यूसडे, वो तो सच हो जाएगा। अगर मंडे होता था तो अगले दिन मंगलवार है, वो क्यों बताएगा आपको? वो अगले दिन कुछ भी बताएगा, मंगलवार नहीं बताएगा आपको। तो आंसर क्या है, सैटरडे। मंगलवार के दिन, मंडे के दिन वो कभी नहीं बोलेगा कि अगले दिन ट्यूसडे करके, वो कुछ और बता देगा आपको दिन, तुमको बता रहा हूं। सो आंसर इज सैटरडे। आई होप आपको समझा है। ओके, सो ये हुआ हमारा बेसिक टाइप। अब इसके बाद आगे वाले वीडियोस में हम क्या करेंगे, अभी क्या होता है, एक आदमी दो तीन स्टेटमेंट बोलेगा तो क्या कहते हैं, एक स्टेटमेंट सच है एक झूठ है, तो इससे आप आइडेंटिफाई करो। अलग अलग पैटर्न रहेंगे, थोड़े बड़े साइज के क्वेश्चन रहेंगे, एक ट्रूथ टेलर एक लायर। तो आई होप बेसिक आइडिया आपको आ चुका है। अब आगे वाले वीडियोज में हम एक जो मॉक में आने वाले टाइप क्वेश्चन या पेपर में एक टाइप अगर एक्सपेक्टेड आया तो उस टाइप के क्वेश्चन हम आगे कवर करेंगे। ओके, थैंक यू।